हम सभी के घरों में इस तरह के बर्तन होते ही हैं जिन्हें हम डेली यूज में साबुन पानी वगैरह से या सर्फ से साफ कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका कलर डार्क होने लगता है क्योंकि पानी की वजह से तांबे और पीतल में रिएक्शन होता है, इसकी वजह से इसका कलर डार्क हो जाता है। तो इसके लिए हमें कभी इमली तो कभी नींबू तो कभी पीताम्बरी पाउडर वगैरह लेकर के इसे हमें साफ करना पड़ता है, तब इसमें चमक आती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर कर रही हूँ जिसकी वजह से आप बिना किसी मेहनत के मिनटों में आप अपने इस तरह के बर्तनों को आसानी से चमका सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्ते, मैं हूँ अपराजिता और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल होम डायरीज में। तो चलिए आज अपने इन बर्तनों को एक आसान से ट्रिक के द्वारा चमकाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ लगभग 4 चम्मच के आसपास विनेगर, जो भी व्हाइट विनेगर आपके घर में हो आप वो ले सकते हैं, और थोड़े से 2-4 बूंद के आसपास इसमें हमें लिक्विड सोप का लेना होता है जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, और एक स्क्रबर, और इसकी सहायता से हमें बस इसे स्क्रब करते जाना है। और आप देखेंगे कि स्क्रब करने के साथ ही इस पर जो ये काली सी परत जमा हो जाती है वो धीरे धीरे क्लीन होने लगेगी। आप स्क्रबर को रगड़ते हुए भी देख सकते हैं कि इसमें से वो कालापन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इस तरह से इसे रगड़ करके हमें क्लीन कर लेना है अच्छे तरीके से, और धोने के बाद आप इसे बिल्कुल साफ कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ लें, क्योंकि अगर इस पर पानी लगा रहेगा तो ये फिर से डार्क हो जाएगा, क्योंकि तांबे में पानी से बहुत जल्दी रिएक्शन होता है और इसका कलर डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस कलर में था और अब ये इसका कलर इतना साफ हो गया है, ये सूखने के बाद और भी चमक जाएगा। तो इस तरह से आप अपने तांबे के बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इस छोटे से जो पूजा की लुटकी है इसे भी मैं इसी मेथड से और इसी सॉल्यूशन से साफ कर लूंगी, और रगड़ते हुए ही आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो धीरे धीरे, जो इसका तांबे का जो नेचुरल कलर है वो आने लगा है। तो इस तरह से क्लीन करके हमें रख लेना है, और आप देख सकते हैं कि साफ करने के बाद और एक साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ देने के बाद इसमें किस तरह से चमक आ गई है। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, इसके द्वारा आप बिना किसी मेहनत के आसानी से अपने तांबे और पीतल के बर्तन को चमका सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बर्तन बहुत अच्छे तरीके से चमक गए हैं। हाँ, धोने के बाद इसे सूखे कपड़े से जरूर पोंछ लें एक बार। तो मैं इसे अंदर बाहर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पोंछ देती हूँ जिससे इसमें पानी बिल्कुल भी ना लगा रहे। अब इसी मेथड से मैं इन सारे बर्तनों को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बर्तन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं, और आपके घर में जो भी तांबे या पीतल के बर्तन हो आप इस मेथड के द्वारा उसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बहुत से लोगों के घर में फिल्टर, जग और ग्लास वगैरह तांबे के होते हैं जिसे आप बहुत आसानी से इस मेथड के द्वारा क्लीन कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एक आसान सा तरीका तांबे और पीतल के बर्तन को साफ करने का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।